हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आज सवेरे से मतलब सुबह से ये स्टेशन है हम लोग के यहाँ का, तो आज मैं जा रही हूँ शादी में। और मैं 9 बजे की जो ट्रेन होती है हमारे यहाँ उसमें मतलब जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ जबलपुर, और जबलपुर से मैं दूसरी मतलब ट्रेन में जाऊँगी रात को नागपुर को, नागपुर के लिए। हमारी जो जेठानी जी है ना, वो जा रही हैं वहाँ, उनकी लड़की के यहाँ शादी है, तो उन्हीं के साथ मैं जा रही हूँ। ये टिकट है फ्रेंड्स, ये देखें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और ये पहाड़ का नज़ारा देखिए, कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत ना, कितना। और अभी शहडोल से मेरी जेठानी जी चढ़ेंगी वहाँ, तो साथ ही में जाएंगे, मतलब मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। और आज हम पहली बार महाराष्ट्र नागपुर की शादी मतलब देखेंगे, और फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी जो थोड़ा बहुत मतलब बना पाऊंगी वीडियो। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं जबलपुर। और ये जो रोड है ना, हम लोग ऑटो में जा रहे थे, मेरी बहन के घर जा रहे हैं, फिर वहां से हम लोग रात को 9:30 बजे मतलब ट्रेन है 10-10:30 बजे तक में, तो फिर ट्रेन में बैठेंगे। तो अभी फ़िलहाल 3-4 घंटे हम लोग 3 घंटे हम अपनी बहन के यहाँ रहेंगे, और जो खाना पीना होगा तो खाएँगे और फिर वहाँ से चलेंगे। और ये जबलपुर है ना फ्रेंड्स, इतना बड़ा है कि बहुत आप एक वीडियो या फिर उसमें नहीं दिखा सकते हैं। अब मैं भी अभी यहाँ ज़्यादा नहीं घूमी हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ मतलब जैसे ग्वारी घाट हो गया और शंकर चौड़ा और यहाँ भेड़ा घाट, यहीं 2-3 ही जगह घूमी हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत प्यार। और फ्रेंड्स, यहाँ ना देखिए कितनी मार्केट मतलब किनारे, ये रोज का मतलब ये लगा हुआ रहता है, रोज ही इतनी भीड़ रहती है। और यहाँ दिन से ज्यादा रात में इतनी भीड़ होती है, इतने मतलब लाइटें और ये सब, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। और मेरी बहन रांझी में रहती है, करौंदी में, वहीं उनका घर है। घर नहीं है फ्रेंड्स, लोग मतलब किराए से रहते हैं, क्योंकि उनके ससुर पहले ड्यूटी किया करते थे, तो वहीं रहते हैं अभी। इतना बड़ा जबलपुर है कि आप अकेले नहीं आ जा सकते हैं,
मतलब जो नए लोग हैं। ये देख फ्रेंड्स, हम लोग खा पी के और रात को वापस आ गए स्टेशन में, और ये देखिए यहाँ की भीड़ कितनी है। और ये मेरी बहन जा रही है आगे आगे, और मेरा ये बहन का लड़का है हनी, ये हमको पहुंचाने आए हैं इतने आधी रात में। कहीं मत जाइए मत जाइए, पर फिर भी आई हैं कि चलो मैं चढ़ा के आऊँगी ट्रेन में, तो आई हैं साथ ही में, पास ही में, ज़्यादा मतलब आधे घंटे की दूरी में हम लोग का इनकी इनका घर है मेरी बहन का, तो पहुंचाने आई थी अपने लड़के के साथ। मेरी जेठानी जी हैं आगे, ये देख फ्रेंड्स, ये जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन का, सामने का वो है, और फ्रेंड्स मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। देखिए हम लोग ये अपने जो रूम में बैठ गए हैं, और आज हम पहली बार ये एसी वाले रूम में बैठे हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ।